भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा, लोगों की भावनाओं को देखते हुए नाम किया गया मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से की बात, बढ़ाया हौसला, कहा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर देश को है गर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज आंगनबाड़ी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में लिया भाग, कहा नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 53 जनपदों में नहीं मिला 24 घंटों में कोई भी संक्रमण का मामला। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 619। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव, आप समाचार विस्तार से। भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। इलाहाबाद में पैदा हुए ध्यानचंद जी को खेल जगत की दुनिया में दद्दा कहकर बुलाते हैं। ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 साल की उम्र में ध्यानचंद भारतीय सेना के साथ जुड़े, इसके बाद से ही उन्होंने हॉकी शुरू किया। ध्यानचंद को हॉकी का इतना जुनून था कि वो काफी देर तक अभ्यास किया करते थे। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए थे। इसके बाद वो हॉकी के जादूगर कहे जाने लगे थे। उनके नेतृत्व में हॉकी ने एक नया मेयार को छुआ। अब खेल रत्न पुरस्कार के साथ हॉकी के इस जादूगर का नाम भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों में सबसे बड़ा होता है, उस पुरस्कार को जो ध्यान मेजर ध्यानचंद जी के ही बर्थडे के ऊपर, जो उनका जन्मदिन है, जिसको कि सरकार ने संसद के अंदर मान्यता देकर इस दिन को सेलिब्रेट करने का अनुमोदन किया था, उस दिन ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर ध्यानचंद जी के अवार्ड, जो कमतर तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि खिलाड़ी जब कोई अवार्ड पाता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, ये बेहतर है कि कुछ अवार्ड ऐसे थे जो जिनकी कीमत कुछ ज्यादा थी, वैसी जो धन के रूप में कह सकता हूं। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। ये फीलिंग, ये बात कहां से आई होगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला हॉकी टीम के साथ फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन को सराहा और कहा उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बेहतरीन खेल ने देश को गौरवान्वित किया है। लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया, और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बापरे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना?
और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने, और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment. And I think they will be. You have also tried your level best. And I can see how they are encouraging the girls. And we are thankful to you. Thank you very much, sir. I wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls, they inspired the nation. And I think that is something very important and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you very much. Namaste. लखनऊ में विद्या भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आंगनबाड़ी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुत बल है, इसमें 4 वर्ष 4 से 5 व 5 से 6 वर्ष की शिक्षा आंगनबाड़ी केन्द्र का भाग है। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य बनाने के लिए नन्हे मुन्नों को संस्कारित शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे को 8 वर्ष तक जो सिखाया व पढ़ाया जाता है उसका 80% उनकी आदत में ढल जाता है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में आने से पहले बच्चे अपने घर में देखी सुनी हुई चीजों व व्यवहार को लेकर आंगनबाड़ी में आते हैं, इसलिए आंगनबाड़ी को बच्चे के अंदर की कमियों को दूर कर उसी के अनुरूप बात व्यवहार पढ़ाई खेल आदि क्रियाकलाप करें। आईसीडीएस यूनिट मतलब आंगनबाड़ी को भी इसमें जोड़ा गया। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग ये समझ पाए शिशु शिक्षा कहां से शुरू हुई। शिशु शिक्षा गर्भाधान से लेकर 6 साल के बच्चे होते हैं तब का ये पूरा साल होना चाहिए, मतलब 7 साल। हम गर्भाधान की ओर तो देखते भी नहीं है कि क्या है वह गर्भाधान, क्या इसमें शिक्षा मिलती है, क्या जरूरी है अच्छा पोषण माता को मिले, इसके बारे में भी कभी सोचा नहीं गया था। लेकिन धीरे धीरे करके प्रदेश सरकारों ने अपने अपने तरीके से इसमें बदलाव लाने का काफी प्रयास किया। भारत सरकार भी इसमें जुड़ी, कुछ सहयोग भारत सरकार का हुआ, कई सहयोग राज्य सरकारों का हुआ, और इसमें धीरे धीरे करके आंगनबाड़ी की ओर ध्यान आकर्षित। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में पहले 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी के लिए हैं। बच्चा घर में जो भी गलत सही कार्य करेगा वो आंगनबाड़ी में भी करेगा। हमारे बच्चों में बेहतर और दोष क्या है इसका पता आंगनबाड़ी से ही चल सकता है, और इसी आधार पर उनका भविष्य निखारा जा सकता है। आंगनबाड़ी के सामने जब ये विषय आया तब सिर्फ आंगनबाड़ी नहीं, इसमें बच्चे, इसमें प्रेग्नेंट वुमन, इसमें हमारी बेटियां, इसमें काम करने वाली हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर और अभिभावक, ये सब मिलकर एक आंगनबाड़ी बनती है। आंगनबाड़ी सिर्फ एक मकान बन गया और उसको कुछ न कुछ टॉयज वगैरह मिल गया, एक पाठ्यक्रम बनाकर दे दिया और कुछ भोजन के लिए कुछ प्रबंध कर दिया,
उसको आंगनवाड़ी नदी कहा जा सकता है। एक जीवंत वातावरण, परिवार के साथ उसका संपर्क, बच्चों को पहचानना, सही दिशा बताना, उसका स्वास्थ्य के बारे में सोचना, अलग अलग प्रकार के उसका जो विकास हो रहा है, चाहे बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या संवेदना का विकास हो, ये सब विकास किस तरह में बच्चों का हम करें उस पर भी ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की भूमिका से आज अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह आज की युवा पीढ़ी और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण और तैयारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 2014 के बाद से अनावश्यक मुद्दों को बहस का मुद्दा बना देते हैं, जिसकी वजह से मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि आज जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, तब अनावश्यक विषयों को लेकर कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है, मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दृष्टि से ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विगत चार साढ़े चार वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश की संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला था। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं, लेकिन बिना किसी तथ्य और प्रमाण के किसी ने उछाल दिया, उसी को मुद्दा बना करके मीडिया में, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब में उसका मुद्दा बना करके फिर उसको उछालने का प्रयास करके देश की संसद का बहुमूल्य समय बाधित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संवाद किया। उन्होंने कुशीनगर की रहने वाली अमलावती से भी बातचीत की। संवाद कार्यक्रम के बाद लाभार्थियों को मुफ्त राशन बांटा गया। राशन पाने वाले लोगों ने इस योजना की तारीफ की और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम लोग जो व्यवस्थाएं मिली हैं राशन की वजह से बहुत बढ़िया मिली है। हम लोग अगर नहीं मिलता तो हम लोग खाने पीने मर जाते, क्योंकि गरीब परिवार के हम लोग हैं, पटना कुशीनगर रहने वाले हैं। सरकार की तरफ से बहुत निम्न योजना चलौले माना मोदी जी, राशन फ्री में मिलता सब हमने तरफ से, आ सारी लोग वही से भूखमरी से मरत रह खाता जियता। ये जो प्रधानमंत्री जी राशन जो फ्री कर दिए हैं लॉकडाउन से लेकर कब तक, वो जो हम लोगों के लिए काफी राहत की बात है, उससे हम लोग बहुत खुशहाल हैं। हम लोग परिवार में किसी तरह का जो खाने और कोई नंबर है ना कोई दिक्कत है। जनपद फतेहपुर में कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आयोजित अन्न महोत्सव कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न राशन की दुकानों पर निःशुल्क अन्न वितरण किया गया। जिले के विभिन्न सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा राशन व बैग वितरण किया गया।
कुल 887 सरकारी राशन वितरण की दुकानें हैं, जिनके माध्यम से 57,290 व्यक्तियों को निशुल्क राशन वितरण किया गया है। निशुल्क राशन प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि अन्न महोत्सव के तहत राशन मिलने से हम खुश हैं, सरकार का ये कदम सराहनीय है। तो 2 यूनिट में हमें गल्ला मिल रहा है, जो ये कोरोना हुआ है तो इसमें भी हमको सुविधाएं मिली मोदी के उससे, और बराबर गल्ला मिलता रहा है। ये कारा लेकर के हम जहाँ जहाँ गल्ला ले लें और यही सब अन्य हमको सुविधाएं मिली हैं गल्ला के लिए, पेट भरा है हमारा। मोदी जी को बहुत बहुत सम्मान करना चाहते हैं, ये प्रयास उनका बहुत सराहनीय है। हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, और जब हमारे यहाँ कोरोना चल रहा था तो हमारे यहाँ देश से बहुत से लाभार्थी, बहुत से लोग इस तरह के थे जिनको खाना भी नहीं वो था, तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्री राशन देना शुरू किया, और फ्री राशन उनको मिल रहा है। और जैसे उज्ज्वला गैस भी उनको दिया, बहुत सी महिलाएं हमारी गांव की हैं कि जो लकड़ी में नहीं खाना बनाती थी, आज वो गैस में खाना बनाती हैं, उनका समय भी बच रहा है खाना बनाने में, उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मथुरा जनपद में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा निःशुल्क राशन पाने वालों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद इस योजना ने उन्हें बड़ा सहारा दिया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन मिलने की वजह से जीवन यापन में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री को बड़ा सराहनीय है और उनकी योजना देश के लिए हमारे जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और गरीबों के लिए निःशुल्क जो बांट रहे हैं इससे बड़ी सुख समृद्धि बनेगी देश के लिए। प्रधानमंत्री तरफ से हमें राशन मिला है, 5-5 किलो राशन मिला है, और गेहूँ मिला है, आटा मिला है, सब चीज़ मिला है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। दिलवाया है गेहूँ और चावल, दोनों चीज़ हमको मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है। ये इस टाइम ऐसे लॉकडाउन में ये सहारा है सबके लिए, जो राशन वाले दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने राशन वालों को देने के लिए बोला है, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। विगत 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए। इसी अवधि में 79 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 619 है। पिछले 24 घघंटों में प्रदेश में कुल 2,50,039 कोरोना टेस्ट किए गए। राज्य में अब तक कुल 6,69,67,783 कोरोना टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया गया कि जनपद अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और सीतापुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटों में 53 जनपदों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है, जबकि 22 जनपदों में इकाई अंक में कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आए हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अगर हम बात करें तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 44,643 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 41,096 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे देश में रिकवरी रेट 97.36% हो गया है। अगर हम सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो कुल संख्या 414,159 हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.41% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.72% हुआ है, जो कि लगातार 11 दिन से 3% से कम बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 49,53,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 57,97,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने हापुड़ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और संभावित तीसरी लहर पर चर्चा की। साथ ही पीकू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने बताया कि कोविड 19 टीका के प्रति लोगों में काफी रुचि है और लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की डोज अवश्य लगवाएं। हापुड़ जनपद में जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी मैंने समीक्षा की है और जो तैयारियां की गई हैं भविष्य के लिए, जो वार्ड बनाए गए हैं बच्चों के लिए, पीकू वार्ड्स हैं और जो यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया उसका निरीक्षण किया, और जो ऑक्सीजन का प्लांट है उसके अलावा जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने देखा कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और लोगों में काफ़ी रुचि है इसके लिए, वैक्सीनेशन के प्रति बहुत रुचि है, लोग आकर के अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वैक्सीन जो है वो सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और मेरा सबों से निवेदन होगा कि वैक्सीन की दूसरी डोज भी जरूर लगवाएं। पहली डोज के बाद जब आपकी तारीख आती है दूसरी डोज की तो अपना दूसरा डोज भी जरूर लगवाएं। जब आप दोनों डोज लगवा लेते हैं तब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं और आपको पूरी सुरक्षा मिलती है। तो ये अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पर और यहाँ की टीम, अधिकारियों की टीम, डॉक्टर्स की टीम और जो बाकी के स्टाफ हैं वो सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तथा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। अलीगढ़ जिले के लोगों ने समग्र शिक्षा अभियान को सरकार का सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश की शिक्षा में नई क्रांति आएगी। महिलाओं का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी के बाद अब पीड़ित महिलाओं को बहुत जल्द न्याय मिलेगा। आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं पे हो रहे ये जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई एक सख्त और ठोस कदम उठाने के लिए पहल की है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, ये एक बहुत अच्छा पहल है सरकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बहुत जल्दी जो करने वाला है, जो बलात्कारी है, उसको जब आप दंडित करेंगे तो उससे और लोगों में भी डर पैदा होगा। वरना क्या हो रहा था, इतना लंबा समय तक वो चलता था कि लोग जो पीड़िता थी वो भी, उसके परिवार वाले भी हार जाते थे और या तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता था या मतलब वो इतने हताश हो जाते थे कि वो केस को छोड़ देते थे। अब ये होगा कि जब उन्हें मालूम होगा कि फटाफट दंड मिलेगा तो उससे जो दंडित है वो भी बहुत जल्दी उसको सजा मिलेगी और जो दूसरे लोग उस काम को करने की कोशिश भी करने की सोचेंगे तो उनको भी ये मालूम होगा, उनके मन में भी ये डर रहेगा। टीवी के माध्यम से चित्रकूट में ग्रामीण आजीविका मिशन से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। जिला मुख्यालय से जुड़े ग्राम शेषनपुरवा की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने साई प्रेरणा उत्पादक समूह के माध्यम से कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गी पालन का अनूठा प्रयास कर मिसाइल कायम किया है। प्रथम चरण में 1000 कड़कनाथ के चूजे झाबुआ मध्य प्रदेश से मंगाकर मार्च 21 से इसकी शुरुआत की। मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि समूह की महिलाओं को कड़कनाथ से होने वाले आमदनी और उसके फायदे से परिचित कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। पहले इन समूह की महिलाओं को सतना से कड़कनाथ मुर्गे के पालन का प्रशिक्षण दिलाया गया। सर, मेरे समूह का नाम साई प्रेरणा उत्पादक समूह है। हमें काफी लाभ भी मिल चुका है इससे, समूह द्वारा डालते हैं, अगर है उन्नत भी हो गई है। जैसे है काम नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में, अब बढ़े हमारा रोजगार चल रहा है। 1000 मंगाए हैं तो 750 बचे हैं, 250 हम भी कम चुके हैं। 6 महीने में सर तैयार होता है, 4 महीने हो चुके हैं।
कहते हैं अभी देती नहीं है, जब देंगे जब अंडे भी आमदनी देंगे है। और मेरे समूह का नाम साई प्रेरणा उत्पादक समूह है। हमारे समूह में 15 लोग हैं। हम कड़कनाथ का काम करते हैं और हमने इसको झाबुआ मध्य प्रदेश से मंगाया है। और लॉकडाउन में कोई काम नहीं था तो हमने मतलब ये काम है अच्छा है। हम लोग अब तक 250 बच्चे बेच चुके हैं। किसान की स्थिति में सुधार केवल उत्पादन बढ़ाने से ही नहीं बल्कि उसे खाद्य प्रसंस्करण और सीधे विपणन से जोड़ने पर ही होगा। इसी लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जैव ऊर्जा बोर्ड द्वारा एफपीओ के गठन और होफिड के साथ किसानों को मजबूत किया जा रहा है। होफिड और सीड सस्टेनेबिलिटी एफपीओ के द्वारा लखनऊ में जैविक उत्पाद के विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस जैविक विक्रय केंद्र पर कंठिया गेहूं का दलिया, हाई फाइबर ग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा, स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेद के उत्पाद और अन्य कई उत्पादों की बिक्री की जाएगी। स्वीडन में कार्यरत कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत पाठक स्वदेश लौटकर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में आज हार गए। इसके बाद भी पदक की उम्मीदें कायम हैं। अब वह रेप चेन में उतरेंगे। बजरंग को 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में मौजूदा ओलंपिक मेडलिस्ट और 3 बार के विश्व चैंपियन अजरबैजान के हाजी अलीयेव ने 5-12 से शिकस्त दी। मुकाबले में बजरंग पुनिया ने अच्छी शुरुआत की और 1-0 की बढ़त हासिल कर ली, लेकिन हाजी अलीयेव ने वापसी करते हुए 2-1 की बढ़त बना ली। फिर 4-1 से वो आगे हो गए। पहले 3 मिनट तक स्कोर यही रहा। अंतिम 3 मिनट में दोनों के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिली, लेकिन हाजी अलीयेव ने 12-5 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में ब्रिटेन ने भारत को हरा दिया है। शुरुआती खेल में ब्रिटेन की टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए भारत पर बढ़त हासिल कर ली, लेकिन भारत ने भी जवाबी हमला करते हुए अच्छा खेल दिखाया। एक समय भारत ने ब्रिटेन पर 3-2 से बढ़त बना ली थी, लेकिन ब्रिटेन की टीम ने जल्द स्कोर बराबर कर लिया। 47वें मिनट में ब्रिटेन चौथा गोल कर बढ़त बना चुकी थी। इसके बाद और कोई गोल नहीं हो सका और ब्रिटेन की टीम कांस्य पदक जीतने में सफल रही। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा, लोगों की भावनाओं को देखते हुए नाम किया गया मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से की बात, बढ़ाया हौसला, कहा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर देश को है गर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज आंगनबाड़ी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में लिया भाग, कहा नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी की है महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 53 जनपदों में नहीं मिला 24 घंटों में कोई भी संक्रमण का मामला। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 619।